अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फवाद अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का सफ़र हम जा रहे थे कानश पे, तो मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बनाते और आप लोगों को दिखा देते हैं कनफरे के कानश। कनफरे का कानश जो है वो बहुत एक खूबसूरत जगह है, और मतलब ये जीजान और जद्दा हाईवे पे जो है ना, वो एक सिटी है कनफुदा, ये उधर ही आ रहे हैं। कनफुदा के अंदर ये एक साइड ये कारनश है, और ये सिटी जो आ रही है ये भी जीजान और जद्दा के दरमियान ही आ रही है। असल मक्का से भी इनको तकरीबन ये 360 किलोमीटर है, मक्का से भी ये 360 किलोमीटर बनता है, जीजान से भी इतना ही बनता है और जद्दा से भी इतना बनता है, ये हाईवे है। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को थोड़ा ये भी दिखा लेते हैं, तो चलो चलते हैं कानश की तरफ। वैसे जो है इनको ज़्यादातर मक्का के लोग इस इलाके को जनूबिया कहते हैं, क्योंकि ये मक्का से जो है साइड पे ये साउथ के तरफ है, और ये असल है भी जनूब, इनको कहते हैं ये लोग, तो अरबिक ज़्यादातर इनको जनूबिया ही कहते हैं। तो असल कनफुदा में एक और भी मेरे पहला भी एक व्लॉग है इस पर, तो इसके पॉइंट बहुत है, लेकिन वो व्लॉग में मैंने सिर्फ ट्रेवल किया था, और वो मैंने वो ट्रेवल व्लॉग बनाया था बस समंदर पे जाके। तो इसमें ज़्यादातर ये है, मतलब ज़्यादातर इधर जद्दा के लोग भी आते हैं, और ये जीजान वाला साइड ये बहुत खूबसूरत है, तो इधर खासकर ये ज़्यादातर दिसंबर और नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इधर बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि इसके जो साइड पे इलाके हैं वो अलबाहा है, और साथ में दूसरा जो है इलाका अबहा है, तो उधर ज़्यादातर उधर बंद हो जाते हैं ये दिसंबर और जनवरी में, तो वो लोग ज़्यादातर इसी कनफुदा की तरफ रुख करते हैं, और कनफुदा में मतलब है वो महीना डेढ़ गुजार लेते हैं। तो ये दो महीने इधर बहुत ज़्यादा रश भी हो जाता है, और इधर भी मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है, ये जनवरी दिसंबर और ये नवंबर और ख़ासकर फरवरी तक इधर भी मौसम बहुत ज़बरदस्ती होता है।
इसकी जो कुल आबादी बताई जाती है ये 20 से 21 हज़ार आबादी पे मुश्तमिल शहर है, और ज़्यादातर जो है इधर जितने भी हैं छोटे छोटे गांव जो इर्द गिर्द हैं इनके, उसके लोग इधर ही आबाद हुए हैं। इधर ज़्यादातर जितने भी बिल्डिंग्स वगैरह है वो होटलिंग है, क्योंकि कार्नश के पूरे साइड्स पे जितने भी बिल्डिंग है वो सारे होटलिंग है। और दूसरा इधर मेडिकल कॉलेज वगैरह भी है, और ये इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं इधर मतलब यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन लिहाज से ये बहुत आगे हैं। तो इसी वजह से जितने भी इर्द गिर्द के जितने भी इनके मज़ाफ़ाती इलाके वो सारे इधर ही रहते हैं एजुकेशन के लिए। वो हॉस्टल्स वगैरह भी बहुत है, होटलिंग भी इधर बहुत है, तो इसी वजह से ये। और दूसरा ये रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, रात के इसको जो रौनक हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा ये बहुत पुरसकून सिटी है, मतलब है ना ज़्यादा रश है इधर और ना ज़्यादा शोर है। सिटी भी बहुत खूबसूरत है और रश और शोर भी नहीं है, तो लोग इधर इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा भी आते हैं, इंजॉय करते हैं इधर। तो एक और चीज़ जो इधर है बहुत ज़्यादा वो है रोड कैमराज। जो इधर का रोड है वो 80 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर के कैमरेज पड़े हुए हैं। असल ये है कि जितने भी बाहर के लोग आ जाते हैं वो सोचते हैं ये सिटी छोटा है, इसमें इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें खासकर वो रोड वायलेशन वो इसी कनपुदा में बहुत ज़्यादा उनको मिल जाते हैं ना, कैमरे पड़ जाते हैं, मतलब काफ़ी वो वायलेशन कर लेते हैं इधर रोड के। तो ज़्यादातर मतलब इसको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे जैसे आप लोग देख भी रहे हैं कि हम मतलब सिटी से बाहर निकल गए हैं तो रश भी कम होता जा रहे हैं, समंदर के किनारे फिर कारनश का वो जो व्यू है वो और भी खूबसूरत दिखने लग जाते हैं। और दूसरा इसमें कई पॉइंट्स है, ये 16 किलोमीटर पे बना हुआ है, सही है, और पॉइंट्स इसमें कई ज़्यादा हैं।
कारनश पे हम पहुंच गए। दरअसल आज जो है ना दिन मेरे ख्याल में ये इतवार का है, और इतवार इधर यह होते हैं वर्किंग डे। तो इधर जो ज़्यादातर रश होता है कारनश पे, वो हफ्ता और जुम्मे को बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अभी तो कोई भी नहीं था, और टाइम भी ऐसा था कि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था 4 बजे। तो 4 बजे मतलब है मैंने आसर फल के मैं सीधा निकल आया हूँ, क्योंकि मेरे से जो ये मेरे रिहाइश से है ये जगह, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की मसाफत पे है। तो अभी तो है रश नहीं है, लेकिन जो लास्ट टाइम होता है फिर उसी टाइम ये रश बढ़ जाता है इधर, और ख़ासकर मगरिब के टाइम इधर बहुत ज़्यादा रश होता है। इधर स्विमिंग की जगह भी है, मतलब उस साइड पे स्विमिंग भी कर सकते हैं बंदा, और काफ़ी प्रोटेक्शन किया हुआ है स्विमिंग के लिए भी इनने। तो अभी सनसेट का टाइम होगा, तो इंशाल्लाह आपको वो भी देख पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे भी हम अच्छी वीडियोस बनाते जाएंगे।